इस बार भी पीक वैसे ही रह सकता है, उससे ऊंचा भी जाने की संभावना है, ऊंचा जाने की काफी संभावना है कि 4 लाख से ऊपर केस हो सकते हैं। हाय गाइस, नमस्ते, मैं हूं रौनक, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से। डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। नमस्ते डॉक्टर एनके अरोड़ा सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, और रौनक आपको देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे पहला सवाल यही मैं पूछना चाहूंगा कि आप और आपके परिवार में अगल बगल दोस्त रिश्तेदार सब लोग ठीक हैं इस वक्त? हाँ, आज हम सब लोग रिकवर कर गए हैं। हमारे परिवार में करीब 4 व्यक्तियों को अभी हाल ही में कोविड हुआ, 28 दिसंबर के आसपास, लेकिन सौभाग्य से हम सब लोग टीका लगा हुआ है, दोनों टीके लगे हुए हैं जी। और इसलिए बीमारी गंभीर रूप नहीं ली, हल्का सा सिम्टम्स थे और 4-5 दिन में हम सब लोग स्वस्थ हो गए। तो सर जब आरटीपीसीआर आप लोगों का पॉजिटिव आया तो ये कितना जरूरी होता है ये चेक करना, क्योंकि क्योंकि आप लोग इस फेज से गुजर चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये चेक करना कि मुझे ओमिक्रॉन है या नहीं, क्या ये जानना जरूरी है या फिर ये पता लगाना कितना? बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो ये ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, अल्फा है, वुहान है, ये एपिडेमियोलॉजी के लिए और साइंस के लिए जरूरी है, लेकिन एक मरीज के लिए, एक व्यक्ति के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इलाज सबका एक जैसा है। अगर हल्की बीमारी है तो उसके लिए साधारण तौर पे पैरासिटामोल और कुछ थोड़े विटामिन वगैरह दिए जाते हैं, आराम करना होता है और क्वारंटीन अपने को अलग करना होता है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर गंभीर बीमारी है तो वो अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत है, मेरे को आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर जरूरत है, वो भी बिल्कुल कॉमन है, उसका वेरिएंट से कौन सा वेरिएंट है उससे इलाज गाइड नहीं किया जाता। हाँ, वेरिएंट का फायदा क्या है, जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि वेरिएंट का फायदा क्या है मेरे को, ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है, उसका फायदा यह है कि हर एक वेरिएंट का व्यवहार अलग होता है। डेल्टा में गंभीर बीमारी होने की संभावना ज्यादा थी, और खास तौर पर जिनको टीका नहीं लगा हुआ उसमें गंभीर बीमारी होने की और मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक थी। ओमिक्रॉन सौभाग्य से जो बीमारी है ज्यादातर उसमें कोई लक्षण नहीं होते या लक्षण बहुत हल्के होते हैं, और गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, खास तौर पर अगर आपको टीकाकरण हुआ है जी। तो सर अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 8 लाख का कल के दिन एक्टिव काउंट था, जो मरीजों की संख्या थी 8 लाख के करीब थी, उसमें ओमिक्रॉन 4,461 कल का डेटा जो बता रहा था। सो तो क्या बाकी सब डेल्टा हैं या फिर बाकी सब टेस्ट नहीं हुए हैं, कैसे इसको इंटरप्रेट करें? हाँ, तो अगर आप अगर आपने घर में अपनी घर में अगर खुद खाना बनाते हो तो चावल जब हम बनाते हैं तो सारे चावलों को हाथ से दबा करके नहीं देखते कि ये पक गया कि नहीं पक गया, बीच में 3 चावल निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये पका हुआ, एक ऊपर से ले लिया, एक बीच में से, एक आखिर में से, तो उससे पता चल जाता है कि हांडी में चावल पक गए कि नहीं पक गए जी। तो सर्वेलेंस में भी यही किया जाता है, जो 4,000 आपको जो आप फिगर बता रहे हैं मेरे को, एक सैंपलिंग ली गई है और फिर सैंपलिंग हमने करी जैसे 100 में से देखा कि 90 इसमें ओमिक्रॉन है, 10 जो है डेल्टा है, तो अगर 8 लाख है तो मैं उसमें से कहूंगा कि 7,20,000 जो है उसमें ओमिक्रॉन है और 80,000 डेल्टा है, तो इस तरीके से देखा जाता है। तो ये सैंपलिंग प्रोसेस है और एक ये साइंटिफिक ढंग से सैंपलिंग की जाती है। तो अब जो है शुरुआत में हमने क्या करा था कि 5-6 बड़े शहरों में 100% कर रहे थे जितना भी हो रहा था, जिससे हमें पता चल सके कि प्रोग्रेस क्या है। अब अपनी रेगुलर सैंपलिंग कर रहे हैं तो हमें ट्रेंड पता चलता है, सारे वायरस का सैंपलिंग करना ना समझदारी है ना जरूरत। सर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कॉमन फ्लू है वो भी आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये एक मिथ्या है, मिथक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है वो एक अलग वायरस है और कोविड का जो वायरस है वो अलग है,
ये कि अगर रौनक है तो और नरेंद्र अरोरा है तो ये दो अलग अलग व्यक्ति जीव हैं, तो वो जो आरटीपीसीआर है वो इन्फ्लुएंजा को नहीं पकड़ता है, वो कोविड के लिए बनाया गया है और कोविड को। परफेक्ट सर, सेकेंड वेव में 4 लाख से ऊपर के डेली जो नए केसेस आ रहे थे वो थे, अभी तकरीबन 2 लाख तक हम पहुंच गए, पीक कब आ सकती है और वो नंबर्स क्या सेकेंड वेव से ज्यादा बड़े होंगे? तो मैं आपको ले जाता हूँ 7 अप्रैल को, जब 1 लाख केस आए थे डेल्टा के। एग्जैक्टली उस दिन मैं पॉजिटिव था सर, 7 अप्रैल। तो उसमें 1 लाख में आप भी थे जी। और 7 लाखों में एक, लाखों में एक, अरे वाह, तो आप तो एग्जाम्पल ले सकते हो। और 7 मई को 4,14,000 केस हुए थे जी। तो और आपने देखा था जब 2 लाख केस जो थे 15-20 मई के आसपास, तो 2.5 लाख केस हो रहे थे, तो ग्रेजुअली बढ़ रहे थे, और 4,14,000 के बाद फिर वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हुआ। नवंबर जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक वो 50,000 पे आ गए थे जी। तो ये पीक इस तरीके से रहा, इस बार भी पीक वैसे ही रह सकता है, उससे ऊंचा भी जाने की संभावना है, ऊंचा जाने की काफी संभावना है कि 4 लाख से ऊपर केस हो सकते हैं, लेकिन बहुत चीजों पर निर्भर करता है कि ज्यादा केस कैसे होंगे। एक है कि अगर जो हमारा पिछले 2 साल का अनुभव है उसमें कोरोना अनुरूप अगर व्यवहार बनाए रखते हैं तो संक्रमण का प्रसार कम हो जाएगा जी। दूसरा, अगर जो है हम सामूहिक समारोहों से, सामाजिक और रिलीजियस और पॉलिटिकल रैलीज में पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये कम हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि अगर बंद कर दिया जाता है तो उससे उससे भी फर्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो पीक है वो हमें लगता है कि पीक थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जरूरत इस बात को समझने की है और इस बात से आश्वस्त होने की है कि इस बार तीन चीज हमारे फेवर में है। नंबर एक, ज्यादातर लोगों को टीका लग चुका है जी, 93% वयस्कों को कम से कम एक टीका लग चुका है, 67-68% वयस्कों को 2 टीके लग चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो वायरस है वो इतना ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं पैदा कर रहा, संक्रमण तो ज्यादा है लेकिन बीमारी गंभीर ज्यादा नहीं है। और तीसरा, जो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है वो कई गुना बढ़ा दिया गया, अब ऑक्सीजन की शायद आने वाले भविष्य में कभी कमी नहीं होगी, हर एक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बना दिए गए, आईसीयू बिस्तर बढ़ा दिए गए, वेंटिलेटर इस समय करीब 70,000 वेंटिलेटर फंक्शनल है पूरे कंट्री में, एक एक वेंटिलेटर का हिसाब रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के लबोलवाब हम बेहतर स्थिति में हैं, हमें लगता है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सावधानी बहुत ही जरूरी है। परफेक्ट सर, चलते चलते एक मैसेज, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल गया, कई लोगों को नहीं मिल पाया, कई लोग बूस्टर के लिए टेंशन में है, कई लोग पहाड़ों पर जाकर 1 महीना सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, सो कई सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार वैसी खबरें नहीं आ रही जैसे पिछले साल जब 1,80,000 केसेस या 2 लाख के करीब हुए थे तब आ रही थी। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे सावधानी बरतने के लिए, एहतियात बरतने के लिए, और कब तक के लिए तैयार रहें? तो पहली बात, मास्क 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 अत्यंत आवश्यक जी। नंबर दो, टीका, अगर आप टीके के लिए एलिजिबल हैं तो टीका तुरंत लगवाइए, अगर एक भी टीका नहीं लगवाया तो पहला टीका लगवाइए, पहला लगवा चुके हैं तो दूसरा समय पर लगवाइए, और अगर आप प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल हैं तो उसको लगवाइए। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों को बिल्कुल कोशिश करनी है कि अगर कहीं पे भी भीड़ होगी वहां पर संक्रमण होने की बहुत संभावना। दूसरी चीज कि इस बार लगता है कि अगले 2-3 महीने में इस जो समस्या है, जो तेजी से संक्रमण प्रसार हो रहा है, वो कम हो जाना चाहिए, खत्म तो खैर नहीं होगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और तीसरी चीज कि हम प्रार्थना करें कि कोई नया बहरूपिया कोविड ना आ जाए जो फिर दोबारा हमें दुखी करे। सर, एक डेल्टा क्रॉन की बात होने लगी है, डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्स आ गया, डेल्टा क्रॉन। तो ये सवाल मैंने अपने साइंटिस्ट से पूछा, इंसाकॉग का मैं चेयरमैन भी हूँ, तो मैंने पूछा ये डेल्टा क्रॉन क्या होता है या मिक्स क्या होता है, तो
मिक्स्ड इन्फेक्शन होने की तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको डेल्टा वायरस भी घुस गया आपके और ओमिक्रॉन भी, लेकिन डेल्टा क्रॉन ये मिक्स वाला जो है ये अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। और सर ये टाइम कब आएगा जब लोग खुद वैक्सीन लेके खरीदें, जब लगे तो लगा लें, ये भी हो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी अभी तक बातचीत हुई है कि बहुत लोग कह रहे हैं भाई हम खरीद सकते हैं आप क्यों नहीं मार्केट में छोड़ दीजिए और वैक्सीन की कमी भी नहीं है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के हिसाब से जब तक वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पे है ओपन मार्केट में नहीं आ सकती, वो खाली पब्लिक हेल्थ पर्पज के लिए। जब ये वैक्सीन इस लायक हो जाएंगी कि इनको ओपन मार्केट में, तब आपके मन में उसकी सुरक्षा और प्रभाव पे पूरा विश्वास हो जाता है, तभी मार्केट में आती है। तब तक जो वैक्सीन इमरजेंसी यूज में है उसको मार्केट में नहीं भेजा जा सकता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं लोग इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखेंगे और सावधान रहेंगे। प्लीज टेक केयर सर, जल्दी मिलते हैं। 93.5 बजाते रहो।